सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज जो अपन लेक्चर है वो 40 पढ़ेंगे। मैंने आपको जब लेक्चर नंबर 39 पढ़ाया था तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज उसी लेक्चर को अपन इसके अंदर भी स्टडी करेंगे, देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और ये एम्प्लॉयज़ को लर्निंग और डेवलपमेंट करने में कैसे रोल प्ले कर रही है। तो हम एक बात को समझ गए कि यदि आजकल के टाइम पीरियड में आपको डेवलप होना है, अपग्रेड होना है, तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करना ज़रूरी आना चाहिए। हम देखें, अभी पैंडेमिक चल रहा है, आज से पहले कई स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन सेक्टर में देखिए ऑफलाइन क्लासेस का ट्रेंड था, लास्ट 2 सालों से ऑनलाइन ट्रेंड आ गया और अब धीरे धीरे ब्लेंडेड कोर्स भी आने लग गए, यानी ब्लेंडेड लर्निंग भी डेवलप हो रही है। तो जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होती जा रही है, बेनिफिशियल से ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट होती जा रही है। आज आप देखिए जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई भी आप परचेजिंग करते हैं, साथ में मैनुअल्स हैं एग्रीड, बट उनके साथ साथ कई बार YouTube पे आपके वीडियोस के लिंक भी दिए होते हैं कि अगर आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे तो आप वीडियोस के थ्रू समझिए। तो वीडियो हमारे लिए टेक्नोलॉजी तो है, जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके हमें बता रहा है। हमने तो कितनी बार देखा, पिछली बार मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, मैं पेंडेमिक में देख रहा था, एक पर्सन ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देखा था, वो उसने परचेज़ किया, उसको ये नहीं पता था कि ऑपरेट कैसे करना है। उसने गाइडलाइंस, उसने बुक भी पढ़ ली, प्रिंटेड PDF भी पढ़ लिया, मैनुअल्स भी पढ़ लिया, पर समझ में नहीं आया। तो उसने उसका YouTube देखा, उसने उसका लिंक को देखा, उसके वीडियो को समझा, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को समझा रखा था। तो ये बात समझ में आई कि हाउ मच टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच नेसेसरी और एसेंशियल इन नाउअडेज। तो टेक्नोलॉजी के केस में ट्रेनिंग, अगर हम माने कि आज हम ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो टेक्नोलॉजी ज़रूर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक वेलकम एडिशन है, जो हमारी ट्रेनिंग के और एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को और ज़्यादा इंश्योरमेंट करते। यदि हम कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, कुछ अपॉर्चुनिटीज नज़र आती हैं कंपनीज़ के लिए। जैसे आज कंपनीज़ एक साथ मल्टीपल लोकेशंस पे अपनी ट्रेनिंग को कंडक्ट करा सकते हैं, वरना पहले क्या था, एक जगह पे सब लोगों को बुलाया जा रहा था, अब वहाँ पे डिफरेंट अगर एरियाज़ में लोग हैं तो उनको आने जाने में एक्सपेंसेस हो रहे थे, रहने पीने का अरेंजमेंट करना पड़ रहा था और भी कई चीज़ें सफ़र हो रही थी। बट आज अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक साथ कई जगहों के लोगों को एक साथ कॉन्फ्रेंस पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम उनको ट्रेनिंग करा सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन सिस्टम ने उन एरियाज़ को भी कवर किया जो एरियाज़ पहले नहीं थे। जैसे आज इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर जगह फैलती चली जा रही है, तो आज तो ऐसे एरियाज़ को भी आईटी सेक्टर कवर कर रहा है जहाँ पे शायद सोचना भी मुश्किल नहीं था, सोचा मुश्किल था कि यहाँ पे कुछ नया डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हम फार्मेसी की लाइन की बात करें, आज आप देखिए न्यू मेडिसिन, न्यू चीज़ें, साइंटिफिक डिवाइसेस, न्यू गैजेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इनोवेट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो है जो आपको ये सहूलियतें दे रही है। अब आपने देखा होगा कि इस पेंडेमिक में ऑक्सीजन मीटर काम आया, जो आप घर पे बैठ के अपनी ऑक्सीजन या अपनी बॉडी के ऑक्सीजन को आप SO2 को आप लेवल को मैच कर पा रहे थे। तो फार्मेसी लाइन में भी तो टेक्नोलॉजी ने रोल्स को प्ले किया ही किया है। और आप देखें, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रेगुलरली बेसिस पे बता रही है कि हाउ मच टेक्नोलॉजी के थ्रू हम चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस पेंडेमिक की मैं बात करता हूँ आपसे, अगर आप किसी एरिया में रह रहे हैं तो आपको ये मालूम नहीं चल पा रहा था कि आपके एरिया में नियर बाय कौन से हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स खाली थे,
तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने एक एप्लीकेशन के थ्रू या एक फॉर्मेट बना के ऑनलाइन सिस्टम डाला, जहाँ पे आप अपने एरियाज में मौजूद जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और उनमें कितने बेड्स की क्वांटिटी है वो आप चेक कर सकते थे, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप नियर बाय हॉस्पिटल में ही पहुँचो जहाँ पर बेड्स अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट भी तो इस टेक्नोलॉजी को देख रही है। आज क्लासेस एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिस्टेंस लर्निंग आपने देखा कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो अलग ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं, न्यू कोर्सेज कर सकते हैं, न्यू डिग्री ले सकते हैं, अपने आप को एनहेंसमेंट कर सकते हैं, ये भी तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही संभव हो पाया है। आप देखें कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है इन्होंने आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी को बढ़ा दिया। आज आपके लिए सीखने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। मैक्सिमम लोग आज मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सबके पास इंटरनेट है, आपके पास गूगल है, आपके पास मेथड्स है, आपके पास आईटी है, नेट है, आप जो चाहें वो इन्फॉर्मेशन आप सीख सकते हैं। कंपनीज भी इस चीज़ को देख रही है, कंपनीज़ भी देख रही है कि आपके एम्प्लॉयज़ यदि टेक्नोलॉजी या लर्निंग में वो चाहते हैं सीखना, तो कंपनीज़ भी अपने यहाँ के ह्यूमन बींग्स को वेल ट्रेंड कर रही हैं। आज अगर हम देखें, आज आप शिफ्ट में काम कर पा रहे हैं, आज आप अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस बना पा रहे हैं, क्योंकि कंपनीज ने आपको सहूलियत दी है कि आप वर्क एट होम भी कर सकते हैं, जैसी आपकी कंडीशन है, जैसी आपकी सिचुएशन प्रेफर करती है उस प्रकार से आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है। आपने देखा ही होगा, आपने सुना भी होगा, कई सारे जगहों पे इस पेंडेमिक सिचुएशन में वर्क एट होम का कंसेप्ट आया। आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग, क्योंकि चीज़ें बंद तो नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ये निकाला गया कि वर्क एट होम करके भी हम अपनी चीज़ों को आउटकम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि अगर कोई बंदा हायर लर्निंग करना चाह रहा है अपने एडवांसमेंट के लिए, अपने अपग्रेडेशन के लिए, तो उसके पास टेक्नोलॉजी वो सोर्स है जहाँ से वो इन चीज़ों को सीख सकता है। ज़रूरी नहीं है वो उस कैंपस में प्रेजेंट रहे, वो ऑनलाइन चीज़ों को सीख रहा है। अब देखिए, हमारे पास इसी चीज़ में एक चीज़ आती है टेक्नोलॉजी में, सिम्यूलेशंस, जो हमने पहले भी पढ़ा था। आज सिम्यूलेशन से देखिए वर्किंग एनवायरनमेंट को कितना चेंज कर दिया। सबसे पहला पॉइंट आता है मटेरियल हैंडलिंग। मैं आपको तीन डिफरेंट वर्क एरियाज बताऊंगा जहाँ पे सिम्यूलेशन ने रोल प्ले कर दिया। पहला वर्किंग मटेरियल हैंडलिंग। आज हम इस सिम्यूलेशन के थ्रू एम्प्लॉयज को हैवी मशीनरी पे काम करना सिखा सकते हैं। मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो रिस्क एनवायरनमेंट की ख़त्म कर दिया। आपको उसने रियलिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर ही काम करना सिखाया, पर वो रियलिस्टिक में क्या था, रिस्क नहीं है, आपके लिए सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। काम आप वही कर रहे हैं बट रियल कॉर पे नहीं कर रहे, ताकि वो रिस्क खत्म हो गया। अब आप देखिए बैंकिंग सेकंड इंडस्ट्री, सिम्युलेशन ने सेकेंडरी इन्वेस्टर्स को मार्केट में काम करना सिखाया। देखिए प्राइमरी इन्वेस्टर्स वो थे जो कि शेयर मार्केट में जाके लाइव करते थे, देखते थे। आज आप देखिए, यदि आपको ऑनलाइन मार्केटिंग, आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, शेयर मार्केट में अपना कैरियर बनाना है, तो पहले आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। तो लोगों ने ऑनलाइन के थ्रू क्या है, नए नए ऐसे एप्लीकेशंस बनाए जो कि आपको एक सिम्युलेशन वेबसाइट पर ले जाते हैं, जहाँ पे आप ट्रेडिंग की सिम्युलेशन करते हैं, जहाँ पे आप रियल कैश नहीं लगा रहे, पर वहाँ आप सीख रहे हैं कि कितना कैसे हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे हमें प्रॉफिट अर्न करना है, ये सारी चीज़ें आप सिम्युलेशन में सीख पा रहे हैं। ये तो शेयर मार्केट का, बैंकिंग का एग्जांपल था। अब तीसरा लाइन देखिए, मेडिसिन की लाइन देखिए। आज आप मेडिकल लाइन में देखिए कि ऐसे ऐसे
जो मेडिसिन हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, अब इनकी टेस्टिंग अगर हम रियल में ह्यूमन बीइंग्स पे करें तो कितना डैमेज हो सकता है। तो यहाँ भी सिमुलेशन टेक्निक्स आई जिन्होंने आपके इस एक्सपेरिमेंट्स को चेंज कर दिया, है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या है कि टेक्नोलॉजी ने आज कई तरीके की फील्ड, कई तरीके के लर्नर्स को मदद करी है। तो यहाँ मैसेज जो है ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी आपके लिए हाई वैल्यू ऑफ लर्निंग क्रिएट कर रही है, बट ये आपके लिए प्लीजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, वाइड वैरायटी क्रिएट करती है जहाँ आप और नई चीज़ों को भी सीख सकते। इसके अलावा ये एम्प्लॉयज़ को उन्होंने सिखाया कि कैसे आप अपने यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी को सीरियसली कैश कर सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉय, आपका जूनियर आपसे अच्छी ट्रेडिंग करना सीख गया तो इसके अंदर भी रोल कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि उसने उस सिमुलेशन साइट्स पे काम करके सीखा। आपने मार्केट में देखा पर आपने रिस्क लेके सीखा, उसने विदाउट रिस्क लेके सीखा। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आपकी लर्निंग को एक पॉजिटिव सेंस में और अपॉर्चुनिटी की केस में बदलती जा रही है। तो यही था बच्चों हमारा आज का लेक्चर नंबर 40, जिसमें हमने पढ़ा कि टेक्नोलॉजी ने कैसे चीज़ों को चेंज किया है, लर्नर्स को पॉजिटिवली लेके गया है। आज लर्नर्स अपॉर्चुनिटी को देखने लगे हैं इस टेक्नोलॉजी में। तो यही हमारा आज का कंटेंट था। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।